गढ़वारा के रुद्रखेल ग्राउंड पर स्वर्गीय सुभाष राय की स्मृति में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी के बीच रोमांचक क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने मैच जीत लिया। गढ़वारा नगर की समाजसेवी मातृशक्ति महिलाओं को क्रिकेट प्रतियोगिता के मंच पर अतिथि के रूप में क्रिकेट मैच का आनंद लिया और सभी महिलाओं ने स्वर्णकार समाज की अध्यक्ष सपना सोनी, स्मृति जैन, चांदनी दीक्षित और अन्य मातृशक्तियों ने समाज सेवी स्वर्गीय सुभाष राय जी की युवाओं को बढ़ावा देने की समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा सहयोग प्रदान करने वाली प्रवृत्ति का जमकर प्रशंसा की। अंत में आभार व्यक्त आयोजक समिति से सर्वेश राय ने किया। मैं किस्मत वाली समझती हूँ कि नर्मदा किनारे, गंगा किनारे से नर्मदा किनारे आई हूँ मैं। मैं आप लोगों का प्रणाम करती हूँ और मंच में उपस्थित यहाँ बैठी मेरी समस्त माताएं, मेरी भाभी, शायद यहाँ से जितने भी बैठे सबसे मेरा पारिवारिक संबंध है, चाहे वो स्मृति दीदी हो, शिरोमणि भाभी हो, पूजा भाभी हो, सब मेरे अपने परिवार के लोग हैं। मैं आज बहुत दुख के साथ कहना चाहती हूँ, मेरे बड़े भाई सुभाष भैया, मेरी शादी नहीं भी हुई थी उससे पहले से, उस परिवार से मेरे बहुत प्यारे संबंध थे। आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि ऐसी शख्सियत जिन्होंने, जिसको हमने खो दिए, तो विधि का विधान है, पर मैं उन भगवान से बहुत प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ भी रहें भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे, क्योंकि ऐसी शख्सियत मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। और कहते हैं अच्छे लोगों को भगवान बहुत जल्दी बुला लेता है, वो हमारे से दूर गए, मैं तो एक दो बार ही उनसे मिल पाई, पर वो जब भी मुझे मिलते थे, चांदनी बेटा, हर समय सम्मान करते थे, महिलाओं का तो बहुत सम्मान करते थे। मैं उन्हें बहुत प्रणाम करती हूँ, मैं मेरी भाभी जी को याद करती हूँ, सुभाष भैया के यहाँ की भाभी जी से, वो मुझे इतना स्नेह प्यार देती थी। मैं कहती हूँ कि हम सब मिलकर के उनका हौसला हमेशा आगे बढ़ाएं और हम सब मिलके उनको ये बताएं कि हमारी भाभी जी आप चिंता ना करना, हम सब महिला शक्ति, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हमारा पूरा परिवार हमेशा हमारी भाभी के साथ खड़ा है। अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिनकी वजह से यह आयोजन किया जा रहा है। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। ब्रजेश भैया के लिए मैं बहुत धन्यवाद करूँगी जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, जिनकी स्मृति में यह क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। श्री सुभाष जी राय वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, उनके व्यक्तित्व से हम सभी को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। यहाँ पर मौजूद सभी खिलाड़ियों को के उज्जवल भविष्य की मैं बहुत बहुत कामना करती हूँ कि वो आगे चल के हमारे गाढ़ावारा की शोभा नहीं, अलग अलग जगहों में क्रिकेट तो हम कह सकते हैं कि जेंट्सों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय क्रिकेट है अभी की स्थिति में, क्योंकि 2020 चल रहा है और हमारे गाढ़ावारा में भी ये हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यहाँ के आयोजनों की जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन हमारे गाढ़ावारा में किया है। आपसे मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे और मेरी महिला मंडल को यहाँ आमंत्रित किया। उन सभी को हृदय से आभार। मैं कुछ बोलने से पहले सर्वप्रथम उन महापुरुष के लिए कुछ श्रद्धांजलि वाले शब्द अर्पित करती हूँ जिनकी पुण्यतिथि में ये आयोजन हो रहा है। जब वह इस दुनिया से कूच करे तो चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो और भाजपा का व्यक्ति हो, सभी स्तंभित थे, सभी सोच में थे कि ये क्या हो गया अचानक से। वह एक ऐसे पुरुष थे जिनका हर व्यक्ति से संबंध था और एक बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में समाज में स्थापित थे। तो बात यह है कि हम किसी भी विचारधारा से संबंधित हों पर जब जाएं तो इस तरीके से जाएं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो वह हमारी याद में दो आंसू जरूर बहाए। बस ये मैं सबसे पहले उनकी श्रद्धांजलि में कहना चाहती हूँ कि हम जीते हैं जीवन, कई विरोधी होते हैं हमारे, कई हमारे अपने वाले होते हैं, पर ऐसा व्यवहार रखिए सबसे कि जब हम जाएं इस दुनिया से तो हमारे विरोधियों को भी हमारे जाने का दुख हो, जैसा कि हमारे भाई साहब के जाने पर हुआ। इसके पश्चात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो समिति है जिन्होंने यह खेल का आयोजन किया है, ये बहुत ही अच्छा आयोजन है, क्योंकि जब हम कोई खेल खेलते हैं तो उसमें सिर्फ हमारा शरीर कार्य नहीं करता, खेल समन्वय है शरीर का, बुद्धि का और हृदय का। वही टीम और वही व्यक्ति जीतता है जो इन तीनों को समन्वय के साथ कार्य करता है।
तो कोई भी खेल जीतने के लिए इन तीनों चीजों का समन्वय जरूरी है। और रही बात खेल की, तो आज हम जीवन में खेल हर क्षेत्र में खेल रहे हैं, हर क्षेत्र में। हम यदि हम जीवन में किसी भी क्षेत्र में है, सिर्फ खेल के क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में यदि हम उसको खेल की तरह लेंगे कि यहाँ हम जीतने और हारने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ खेलने के लिए आए हैं। हमको सिर्फ हमारा रोल प्ले करना है और जो रोल हम अपना अच्छे से प्ले कर देंगे वही जीत जाएगा और वही सिकंदर कहलाएगा। तो हम जिस भी क्षेत्र में है हमें अपना रोल अच्छे से प्ले करना है, बस यही कहना चाहूँगी। और ये जो आप सभी ने आयोजन किया है, हम सभी को आमंत्रित किया, शहर के सभी विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए हैं, तो इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। इस तरह के आयोजन होने से लोगों में खेल के प्रति भी जागरूकता बढ़ेगी। वैसे भी हमारी ओसों की धरा है, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है हमारे गाढ़ावाड़ा में। इस तरीके की खेल शक्तियाँ प्रतिभाओं को उजागर करती हैं और यहाँ से प्रतिभाएं आगे की ओर जाएंगी। तो उन सभी भाइयों को जो यहाँ पर खेल रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक चीज कहना चाहती हूँ कि जीतने वाला तो सिकंदर होता ही है, जीतने वाला तो सिकंदर होता ही है, पर हारने वाले का भी अपना मुकद्दर होता है, हारने वाले का भी अपना मुकद्दर होता है। जीत की शुभकामनाएं तो सभी देंगे, जीत की शुभकामनाएं सभी देंगे, लेकिन जो हार के आगे आएगा, जो हार के आगे आएगा उसका अलग ही मकसद होता है, जो हार के आगे आएगा उसका अलग ही मकसद होगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। खेलिए और दिल से खेलिए और जीत और हार के भय के बिना खेलिए, सिर्फ अपना रोल प्ले कीजिए। मेरे और आदरणीय रूपेश भैया, अवधेश भैया, हम लोगों के एक छोटे से निवेदन पर अगर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया तो उसके लिए हम लोग बहुत 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 ही आभारी हैं। और यहाँ पर बैठी मेरी सभी माताएं, कोई बहन है, कोई भाभी है, कोई रिश्ते में चाची है, कोई छोटी बहन है, कोई रिश्ते में बड़ी माँ है, कोई बुआ है, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आपका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन मेरे जीवन में सदैव बना रहेगा। धन्यवाद। गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।